श्री कृषि गुजरात यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम केरालू से 10 किलोमीटर की दूरी पर सुन्ना भाई। यहाँ हम गांव के अंदर काम का रेस्टोरेंट में जा रहे हैं। जो भी होगा उसको सही सलामत पकड़ कर हम जंगल विस्तार में छोड़ देंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। श्री कृषि गुजरात यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम केरालू से 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पर हम कादरपुर चिमनाबाई सरोवर एक सेम विस्तार के अंदर आए। सामने नया मकान बन रहा है और हम वहाँ पे सांप का रेस्क्यू करने जा रहे हैं। देखते हैं कौन सा सांप है, खतरे वाला है या खतरे बिना का। जो भी होगा इसको हम सही सलामत पकड़ेंगे और जंगल के अंदर रिलीज करेंगे। ये नया मकान बन रहा है। कारीगर काम कर रहे हैं और उधर सामने मजदूर काम कर रहे थे और ईंटों के अंदर सांप आया हुआ है। ऐसे का है और किसी को काटता है तो इंसान की एक भारत का स्पेक्टिकल कोबरा सांप है। किसी को काटता है तो इंसान की मौत हो जाती है, इसीलिए हम बार बार यही कहते हैं कि ऐसे सांप से सावधान रहिए। अगर किसी को काट भी जाता है तो कोई जंतर मंतर या जादूगर में विश्वास ना करे। दर्दी को सीधा हॉस्पिटल में रवाना करें तो इंसान की जान बन सकती है। आभार। चल आपने चल लो नहीं चल वो बोल समझो आओगे फोटो वोटो बाहर। अभी बारिश की सीजन चल रही है। हम एक दिन के 5 से 6 सांप रेस्क्यू करते हैं हर रोज। और फेडूस भाई को मैं चेतावनी देता हूँ, रात को बाहर निकले तो बैटरी का जरूर उपयोग करें, वरना इस चौमासे के सीजन में पाँव आ जाएगा तो सांप वाँप काट जाता है। इसीलिए हम पहले से सावधानी देते हैं। आभार। जय हिंद, जय भारत। बोलना भाई, हम इसको एक बहनी के अंदर पूर कर इसको सही सलामत जगह पर जहाँ कोई अवर जवर नहीं होगी ऐसे सुनसान रास्ते पर इसको रिलीज कर देंगे। इस शाम को हमने रेस्क्यू कर लिया है और इस बड़ी के अंदर फूल दिया है और चारे बाजू इसको छेद कर दिया है क्योंकि इसकी भी जान चलती रहे। और 5 से 10 मिनट के अंदर इसको हम हाईवे बार जंगल के अंदर इसको रिलीज कर देंगे। जय हिंद, जय भारत। जी चिमनाबाई सरोवर जो कादरपुर से हमने रेस्क्यू किया है, नया घर बन रहा था वहाँ से, इसको जंगल विस्तार के हम रिलीज करने आए हैं। हमने जंगल के अंदर इसको रिलीज कर दिया है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ये वीडियो हमारा अच्छा लगे शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, कमेंट करें, क्योंकि अगला वीडियो आप तक जरूर, दूसरा वीडियो तुम्हारे तक जरूर पहुंचे। धन्यवाद। किलोमीटर की दूरी पर हम बादरपुर गांव में सांप का रेस्क्यू करने जा रहे हैं। और हम फोन आया है, मकान मालिक जो बोल रहा था भंगीवास में आ जाओ, वहाँ पे शाम का रेस्क्यू करने का है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एक रेस्क्यू गुजरात यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम केरालू से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर
वडनगर के बदरपुर गांव में आए हैं और सामने अंदर घर के अंदर सांप है, देखते हैं कौन सा है, खतरे वाला है, खतरे बिना का जो भी होगा इसको हम रेस्क्यू करेंगे। मकान मालिक बोल रहे हैं कि सोफे के अंदर सांप है और हम इसको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ हम ढूंढ रहे हैं सोफे के अंदर, इसमें नहीं है। अब हम यहाँ देख रहे हैं, ऊपर ना दरवाजा नहीं जो नहीं याद आ रहा था। ठीला भाषा अरे तो मैं बोलूँ, हमने इस कोने के अंदर से बादल को गांव में आए हैं और इस सांप को हमने रेस्क्यू कर लिया है। ये कोबरा जाति का सांप है और जहरीला होता है, इसलिए हम कहते हैं ऐसे सांप से सावधान रहिए। अभी अभी मकान मालिक के घर में आ गया और 10 किलोमीटर की दूरी पर हम आकर इसको रेस्क्यू कर लिया। मैं बेटी पकड़ चलो, रात के करीबन 9:30 से 10 बजे के टाइम पर हम वडनगर तालुका के बादरपुर गांव में आए हैं और इस सांप का जो भारत का स्पेक्टिकल कोबरा जहरीला होता है और इसको हम पकड़ कर सही सलामत इस बरणी के अंदर पूर कर जंगल के अंदर रिलीज कर देंगे। अरे भूखी बॉडी से निकला लो मेरे दिन, कोई ना गाइड हो। हमने 2.5 फुट लंबा कोबरा जाति का सांप है और हमने महा मेहनत के बाद इस बरणी के अंदर कैद कर लिया है और इसको हम सही सलामत जंगल के अंदर रिलीज करेंगे। ऊपर जाओ बस छोटे बॉडी को काढ़े रहो, घुटूट ना काढ़े मोड़ा सा काढ़े कौन काढ़े रहो गमे जी कुछ बोली नहीं पूछी बॉडी था खाना खाना था ना हाथ धो। हमने इस घर के अंदर से 4 सांप पकड़ा और एक उधर पीछे से पकड़ा। ये लगभग 6 महीने के अंदर 5 दफ़े हमने सांप रेस्क्यू किया है इस घर के अंदर से। सभी कोबरा जाति का सांप और जहरीले होते थे, सबको हमने पकड़ कर सही सलामत जंगल में छोड़ दिया है। अभी भी हमें 5वें नंबर का जो पकड़ा है एक ही घर में से 6 महीने में 6 सांप पकड़े हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
ये जो गाने उठाई से आप सर अभी अभी हमने बादरपुर गांव से बंगीवास में जो पकड़ा हुई सांप टैक्टिकल कुबरे को हम जंगल विस्तार के अंदर छोड़ रहे हैं। जंगल के अंदर छोड़ दिया है, जा रहा है, देखो हम को तो इस पर आपके समक्ष हमने अभी अभी इस सांप को जंगल विस्तार के हवाले कर दिया है। जय हिंद, जय भारत। ये वीडियो अच्छा लगे शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, कमेंट करो, क्योंकि अगला वीडियो हमारे तुम्हारे साथ जल्द से जल्द आ जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।